आधुनिक जीवन में क्रिया योग की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि सुबह से शाम तक हम अनेक प्रकार की अनुभूतियों के विषय में अपने विचार प्रकट करते हैं और विचार ज़्यादातर गलत होते हैं, कुछ विचार सही होते हैं, कुछ गलत होते हैं, तो अनजाने में हम झूठ बोलते हैं। जब हम क्रिया योग का अभ्यास करेंगे तो जितने तरह के विचार हैं अपनी इंद्रियों के द्वारा जो बाह्य विषय वस्तुओं की अनुभूति करते हैं, उसके प्रति मन क्या सोचता है, बुद्धि क्या सोचती है, अगर उसके विषय में सच जानना है कि हम सच जाने सच बोलें, तो याद रखिए क्रिया योग बहुत आवश्यक है। उदाहरण के लिए पूरे दुनिया में वार्मिंग बढ़ रही है, गर्मी बढ़ रही है, हर जगह का तापक्रम बढ़ रहा है, बर्फ और अधिक पिघलेगी, तो तापक्रम का बढ़ना, बर्फ का और पिघलना, ये सब जो घटनाएं घटित होती हैं, भूकंप का आना, सुनामी का आना, आंधी तूफान आना, ये सब युग के अनुकूल हैं। एक समय कालिकाल था, उस समय जब बाहर की ऋतुएं थी, मौसम था, सूरज और चांद की जो प्रतिक्रियाएं थी, जो क्रियाकलाप था, वो इस समय भिन्न होगा। सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु, बैक्टीरिया, वायरस, सूरज और चांद, ग्रह नक्षत्र, आकाश गंगा, पृथ्वी की गति, पृथ्वी का आकार, इन सभी में परिवर्तन होगा। युग के अनुसार चीज़ें बदलती हैं। जिस प्रकार सुबह सूर्योदय और शाम को सूर्यास्त, एक समय दिन एक समय रात, रात और दिन का बड़ा छोटा होना, ये घटित होता है, उसी तरह से पूरे ब्रह्मांड में एक परिवर्तन होता है। वर्तमान समय आरोही द्वापर युग है, इस तरह का परिवर्तन होगा कि पैदावार बढ़ेगी, लोगों में ज्ञान होगा कि ऋतुओं के बदलने पर, इस तरह की ऋतुओं के होने पर हम पैदावार कैसे बढ़ाएं। पूरी दुनिया में खाने पीने की चीज़ें पहले से अधिक पैदा होंगी, सब चीज़ें पहले से बेहतरीन होगा, जो ज़मीन है, पृथ्वी है, इसकी उपजाऊ शक्ति बढ़ेगी, और जो पानी का सतह है, जिस जगह पर पानी अधिक आवश्यक होगा, पृथ्वी में उन स्थानों पर पानी आपको ऊपर मिलेगा, कहीं कहीं पर पानी की आवश्यकता कम होगी तो पानी नीचे मिलेगा। ये सारी चीज़ें सब एक ब्रह्मांडी प्रक्रिया है, जो हो रहा है उसमें किसी भी प्रकार की कमी न देख करके क्रिया योग ध्यान करिए तो समझ में आएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। जैसे काले रंग का कोयला है, हमें अग्नि चाहिए, तो कोयले का रूपांतरण अग्नि में होगा, उसके पहले धुआं होगा, हम छोड़ करके भागेंगे, श्वास नहीं ले पाएंगे, तरह तरह की दिक्कतों का सामना करेंगे, लेकिन यह सब हो रहा है जिससे कोयला आग के रूप में बदल सके। लेकिन अगर क्रिया योग ध्यान नहीं करेंगे तो जो कोयले से धुआं प्रकट हुआ, ऐसा मन में विचार आएगा कि अत्याचार हो रहा है, प्रभु सुन नहीं रहे, प्रभु की कृपा नहीं हो रही है, यह सब बातें उठती हैं। हम अनजाने में झूठ न बोलें, जान कर झूठ न बोलें, क्योंकि झूठ बोलना सबसे बड़ा पाप कहा गया है, सबसे बड़ी गलती है। हमें पता ही नहीं है कि सही और गलत क्या है, तो झूठ तो बोलेंगे ही हम। इसलिए जो लोग चाहते हो कि सच के मार्ग पर चलना है, सच बोलना है, क्रिया योग उनके लिए बहुत ही आवश्यक है। इसलिए क्रिया योग ध्यान पूरी लगन से करें और कभी भी इसको छोड़े ना।
जब इसको छोड़ने लगेंगे तो फिर हम माया में घिर जाएंगे, फिर सही का गलत, गलत का सही दिखाई पड़ेगा और उसी में फंस जाएंगे। पता चला कि एक जीवन निकल गया जैसे 2 सेकंड के बराबर, ऐसे हजारों जन्म हम ऐसे ही गंवा देते हैं। तो ये जन्म कम से कम सार्थक हो, इस जन्म में हम सच बोलें, सच की अनुभूति करें, इसके लिए आवश्यक है इस शिक्षा की, जिसे क्रियायोग विज्ञान कहते हैं। इसकी शिक्षा कैसे लेंगे? जो अभ्यास कर रहे हैं यही प्रयोग है।